मुंबई शहर में दो चोर थे। एक चोर सिर्फ दिन में चोरियां करता था और एक चोर रात में चोरियां करता था। दिन वाले चोर ने पहले दिन एक चीज चुराई तो रात वाले चोर ने रात में दो चीजें चुराई तो अगले दिन वाले चोर ने तीन चीजें चुराई तो फिर रात वाले चोर ने छह चीजें चुराई। अब आप सोचिए और मुझे बताएं अगले दिन वाला चोर कितनी चीजें चोरी करेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगले दिन वाला चोर 12 चीजें चोरी करेगा। दोनों चोर अभी तक चोरी हुए चीजों को टोटल करके चोरियां करते हैं। जैसे दिन वाले चोर ने दूसरे दिन तीन चीजें चुराई क्योंकि उसके पहले एक और दो चीजें चोरी हुई। फिर रात वाले ने छह चीजें चुराई क्योंकि 1 + 2 + 3 टोटल छह चीजें उसके पहले चोरी हुई थी। इसलिए बाद में दिन वाले चोर ने 1 + 2 + 3 + 6 मतलब 12 चीजें चोरी की। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सपना अपनी कार से आराम से जा रही थी तभी उसे जोरों से आवाज आई जैसे किसी ने उसे जोरों से टक्कर मारी हो। वो उतर के देखती है तो उसकी कार पीछे से डैमेज हो जाती है। एक रेड कार ने उसे जोरों से टक्कर मारी थी। वो कार नहीं रुकती और आगे निकल जाती है। सना अपनी कार में उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन वो आगे निकल जाती है। तभी सना को एक रेस्टोरेंट के सामने वो कार दिखती है। सना तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो उसे रेस्टोरेंट में तीन टेबल मिलते हैं जहाँ तीन लोग बैठ के खा रहे होते हैं। सना तुरंत समझ जाती है कि रेड कार वाला कौन है। कैसे, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टक्कर ये सेकंड वाली औरत ने मारी होगी। ये अभी अभी अंदर आई है क्योंकि ये फूड ऑर्डर कर रही है। थर्ड वाली का तो खाना खा के हो गया है और फर्स्ट वाला खाना खा रहा है। सना भी ये समझ जाती है और उससे डैमेज के पैसे वसूल लेती है। सना के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को बीरा का कॉल आता है। सर सर, मेरे पापा को किसी ने मार दिया है, आप जल्दी आ जाए। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। किसी ने मिस्टर मेहरा को गोली मारी थी। बीरा बताती है कि जब मैं रूम में आई तो देखा कि पापा का खून हो गया था, मैंने तुरंत आपको कॉल कर दिया। मेहुल आसपास देखता है तो उसे मिस्टर मेहरा के हाथ के नीचे एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा हुआ है AHKK। ये पेपर ही मुझे खूनी तक पहुंचाएगा। घर पे उस वक्त 5 लोग थे, बिल, बीरा, बोनी, काका और रमन। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में 4 लेटर्स है और +1 लिखा हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि मिस्टर मेहरा सारे लेटर्स में +1 का क्लू दे रहे थे। तो A+1 B हो जाएगा, H+1 I और K+1 L, तो कोड का मतलब हो जाएगा BILL, बिल। खूनी बिल है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 वैम्पायर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो चारों अपने रूम्स में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई बड़े वैम्पायर का सारा ब्लड चुरा लेता है। वैम्पायर गुस्से में आ जाता है और डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल बाकी तीनों वैम्पायर से पूछताछ करता है। वैम्पायर की वाइफ कहती है, मैं तो वॉशरूम में अपने टीथ क्लीन कर रही थी। वैम्पायर का भाई कहता है, मैं तो अपने कॉफिन में सो रहा था। वैम्पायर का बेटा कहता है, मैं तो गेम्स खेल रहा था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन सा वैम्पायर झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर का ब्रदर झूठ बोल रहा है। कॉफिन काफी छोटा है, जरूर छोटे वैम्पायर का होगा, ये उसमें जा ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी तभी एक तेजी से कार आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर मार के वो कार सीधा निकल गई, लेडी की हेल्प भी नहीं की। पास खड़े लोग तुरंत आ गए और लेडी को हॉस्पिटल लेके गए।
कुछ लोगों ने कार का नंबर तो नहीं लेकिन कार के बारे में पूरी इन्फो दे दी। डिटेक्टिव मेहुल कार को ढूंढने में लग जाता है। उसे वैसे ही दिखने वाली 3 कार्स मिलती है। मेहुल तीनों ओनर से पूछताछ करता है। पहला ओनर कहता है, मेरे तो पैर में फ्रैक्चर है, काफी दिनों से मेरी कार यहीं खड़ी है। दूसरा ओनर कहता है, सर मुझे तो चोट आई हुई है, पट्टी भी लगी हुई है, काफी दिनों से मेरी कार नहीं निकली है। तीसरा ओनर भी यही कहता है, सर मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, काफी दिनों से मैंने कार नहीं निकाली है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला कार साफ कर रहा है, दूसरे ने तो काफी दिनों से कार साफ ही नहीं की है, लेकिन तीसरे वाले के गैरेज के बाहर देखिए टायर्स के निशान है। मतलब कार चली है और ये झूठ बोल रहा है कि काफी टाइम से कार चली नहीं है। मेहुल वहीं समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपकी मेमोरी टेस्ट करता हूं। इस जोकर को ध्यान से देख लीजिए, अब इस हॉर्स को ध्यान से देख लीजिए, अब इस टेंट को ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे बताइए इन चारों जोकर में से आपने कौन सा जोकर देखा था, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपने जोकर बी देखा था। चलिए अब इन चारों हॉर्सेस को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा हॉर्स देखा था, ए बी सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आपने हॉर्स सी देखा था। चलिए अब इन चारों टेंट्स को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा टेंट देखा था, ए बी सी या डी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने टेंट ए देखा था, तो कितने सही कर पाए आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शर्मा जी, उनकी वाइफ और दोनों बच्चे बीच पे जाते हैं। सब बीच पे मस्ती कर रहे होते हैं, तभी उनका बॉल खेलते खेलते पास वाली झाड़ियों में चला जाता है। बॉल को देखते हुए उनका छोटा लड़का झाड़ियों में जाता है, लेकिन वहां उसे कोई किडनैप कर लेता है। फैमिली उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पास में डिटेक्टिव मेहुल ये सब देखता है तो वो तुरंत सीन पे पहुंच जाता है। फैमिली बताती है कि उनका छोटा लड़का मिल नहीं रहा है। मेहुल भी ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो कहता है, मैं तो सुबह से अकेला ही यहां घूम रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल को एक और आदमी मिलता है। वो कहता है, मैं तो यहां अभी अभी आया हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता है। फिर मेहुल को एक और आदमी मिलता है। वो कहता है, सर मैं तो अभी यहां आया हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि किडनैपिंग किसने की है, कैसे। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किडनैपिंग तीसरे वाले आदमी ने किया है। वो अभी अभी आया है क्योंकि उसने बच्चे को पहले किडनैप किया। उसका कैप देखिए, ये वही कैप है जो पूरी फैमिली ने पहना हुआ है। जरूर इसने बच्चे से लिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास बच्चा भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 6 लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इसमें एफ ऑड वन आउट है, उसके स्लीपर्स देखिए बाकियों से अलग है। अब इन 6 लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इनमें बी ऑड वन आउट है, उसका कलर प्लेट देखिए, उसमें कलर्स बाकियों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहला तो लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरा कौन सी बटन प्रेस्ड है। अगर आप पहली लिफ्ट को देखेंगे तो नीचे का बटन प्रेस्ड है और लिफ्ट नीचे आ रही है, मतलब इसका दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन अगर आप सेकेंड लिफ्ट को देखेंगे तो इसमें लिफ्ट नीचे जा रही है और ऊपर की बटन प्रेस्ड है, मतलब इसका दरवाजा नहीं खुलने वाला है, मतलब ये वाला आदमी मूर्ख है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।